जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। साथियों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ नई और ताज़ा वीडियो लेकर। और ये हैं आज के शाम के वक्त के त्रिकुटा के दर्शन, यानी त्रिकुटा पर्वत के। और सामने नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, पूरा जो त्रिकुटा पर्वत है वो जगमगा रहा है, क्योंकि समय जो है ऑलमोस्ट जो है सूरज जो है बिल्कुल डूब चुका है। इस तरफ से सूरज ने अलविदा हमेशा यहाँ से करता है, और यहाँ से सूरज जो है निकलता है इस तरफ से। तो कुल मिलाकर आज दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, मौसम भी बहुत अच्छा रहा, और लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा भी निरंतर चल रही है। और ये ताज़ा नज़ारा शाम के वक्त का है। फ़िलहाल बात करें यात्रा के लिहाज से, तो लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार जो है देश के अलग अलग राज्यों से माता रानी के भक्त जो है यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम आज जो है सुबह थोड़ी हल्की बारिश ज़रूर लगी थी, और उसके बाद हेलीकॉप्टर की सेवा आज तो नहीं चल पाई है, क्योंकि बादल जो है छाए हुए थे त्रिकुटा पर्वत से। लेकिन शाम के वक्त जो है फिर से हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के लिए कुछ समय के लिए उड़ानें जो हैं भरी हैं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर ठप रहा। कुल मिलाकर जो श्रद्धालु हैं आज पैदल यात्रा ही की है, और रास्ते में तमाम सुविधाएं जो जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी आदि अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक माता वैष्णो देवी के दरबार तक जो है बैटरी कार की सेवाएं के साथ साथ भवन से लेकर भैरव घाटी तक जो है रोप वे की सुविधा भी जो है श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रही। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आज दिन रहा माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा की। ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, खासकर जो लोग नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगामी दिनों में कोई भी मौसम के संबंधित अपडेट रहती है तो आप लोगों को प्रयास रहेगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे तेज बताने का। क्योंकि आप सब जानते हैं साथियों, आप सबके ही सुझाव से मैंने चैनल की ये शुरुआत की थी, YouTube चैनल की। हालांकि मेरा कोई भी प्रयास नहीं था कि चैनल शुरुआत करने का, जब वीडियो बनाने का, डालने का, अपलोड करने का, बट आप सब ने एक मोटिवेशनल किया, और जिसके चलते मैंने भी सोचा कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो खासकर उनको एटलीस्ट जो है मौसम के संबंधित, यात्रा के संबंधित तमाम छोटी मोटी जानकारियाँ, प्राथमिक जानकारियाँ जो हैं घर बैठे ही मिल जाएँ तो बहुत अच्छा। और इस काम के लिए भी आप में से बहुत सारे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने, माओं ने, मतलब कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ साथ मोटिवेशनल जो आप लोग करते हैं, और सपोर्ट सबसे बड़ी बात, आप लोगों की सपोर्ट जो डिजिटली तरीके से रहती है, उसके लिए तो मैं बोल कर या लिख कर किसी भी चाहने वाले का धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ। बट ये है कि माता रानी से यही प्रार्थना है सबके लिए कि माता रानी हमेशा सभी श्रद्धालुओं को, सभी चाहने वालों को खुशियों से गतिमान रखे। तो आगे भी साथियों मेरा इसी तरह प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जानकारियों के साथ साथ ताज़ा नज़ारे पूरे बताने का प्रयास करूँगा। तो ये आज का मौसम है, देख सकते हैं धर्म नगरी कटरा वैष्णो देवी जगमगा रही है, शाम के वक्त का खूबसूरत नज़ारा है। तो फिलहाल आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली यात्रा ब्लॉग्स को, और साथ साथ में सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपके द्वारा जो जितनी भी जानकारियां रहती हैं वो पूछी जाती हैं, और उनका रिप्लाई देने का मैं वहीं प्रयास करता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे मुलाकात। जय माता।